सो वेलकम गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने मॉन्टेजेस वीडियो में स्मूथ ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हो। तो गाइस, तो उसके लिए हम चलना है अपने लाइट मोशन में। तो चलते हैं अपने लाइट मोशन में। फिर गाइस, आपको जो भी क्लिप में ये ट्रांजिशन देना है, आप उस क्लिप को इसमें ऐड कर लीजिए। तो गाइस, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम अपने क्लिप को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा क्लिप जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्मूथ ट्रांजिशन आप कैसे सेट करेंगे। सो गाइस, अब जहाँ जहाँ से आपका ये क्लिप जो है चेंज हो रहा है, या फिर अब जहाँ अपना ट्रांजिशन देना चाहते हैं वहाँ से अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं अपने क्लिप चेंजिंग पे ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मेरा क्लिप चेंज हो रहा है मैं वहाँ वहाँ से अपनी वीडियो को कट कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से मेरा वीडियो जो है मतलब क्लिप चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। और गाइस, कट करने के बाद जो आप देख सकते हो वो एक्स्ट्रा फ्रेम है ना, उसको आप थोड़ा ड्रैग करके कट कर देना। फिर गाइस, हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, और वहाँ पे जहाँ हमारा क्लिप चेंज हो रहा है हम उसको वहाँ से कट कर लेंगे। तो फिलहाल गाइस देख सकते हो, अभी तो मेरा बहुत लैग कर रहा है भाई, तो थोड़ा चलने दो। हाँ, ये रहा गाइस। तो देखो, यहाँ पे मेरा क्लिप चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर इसको स्प्लिट कर दूँगा। तो ये, हाँ ये रहा। तो फिर गाइस, आपको यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर देना है, और स्प्लिट करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा फ्रेम है ना, उसको ड्रैग करके थोड़ा सा कट कर देना है। और फिर कट करने के बाद आप देख सकते हो हमारा क्लिप हो गया रेडी। और गाइस, फिर जहाँ जहाँ पे हमारा क्लिप चेंज हो रहा है वहाँ पर अपना ट्रांजिशन देंगे। तो गाइस, आपको अपने फर्स्ट क्लिप को टैप करना है, फिर जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। इसमें जाने के बाद आपको वो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर टैप करना है। फिर आपको यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना है, और आपको फिर एक सेकेंड की फ्रेम ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो उसकी वैल्यू है ना गाइस, आपको अराउंड रख देनी है 8000। और गाइस याद रखिए, जो उसके बीच का जो आपका गैप है ना, वो 0.6 या 10 सेकेंड का होना चाहिए, या फिर आप 0.5 भी रख सकते हो। और गाइस, आप इससे ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा अजीब दिखेगा वो आपका ट्रांजिशन। और गाइस, आपको ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है। फिर कैसे, आपको जाना है सेकेंड वाले क्लिप पे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, फिर वही थर्ड ऑप्शन, फिर आपको एक की फ्रेम ऐड करना है यहाँ पे। फिर कैसे, आपको एक की फ्रेम ऐड करना है सेकेंड वाला, और इसकी भी वैल्यू अराउंड रख देनी है 8000। तो कैसे, आप देख सकते हो मैं रख रहा हूँ 8000 px। तो ये हो गया मेरा यहाँ। और फिर इसके बाद आपको फिर जाना है इन दोनों के बीच में, और फिर इसके ग्राफ में जाना है। बीच में जाने के बाद देख सकते हो भाई, ये रहा इसके बीच में, और जाना है ग्राफ में, और उसको ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है। फिर कैसे, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर कैसे, आपने जहाँ पे नेक्स्ट कट किया है अपना ये वीडियो को, वहाँ पे जाना है, और उस पर भी कुछ ऐसा ही ट्रांजिशन सेट करना है। तो हम वैसा ही अपना जो भी है प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो कैसे, आप देख सकते हो फिर से मैंने की फ्रेम ऐड किया, और सेकंड की फ्रेम की वैल्यू रख दी 8000, और फिर उसको ड्रैग करके एकदम लास्ट में कर दिया। और गाइस, फिर हम इसका ग्राफ कुछ चूज़ कर लेंगे ऐसा। तो फिर आपको जाना है लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, इस वाले क्लिप पे और सेकेंड वाले क्लिप पे, उसके बाद वाले। फिर आपको वही करना है, एक की फ्रेम ऐड करना है, और सेकेंड की फ्रेम ऐड करने के बाद उसकी भी वैल्यू 8000 रख देनी है। तो मैं रख देता हूँ, अब देख सकते हो आपके जाना है इसके ग्राफ में, और आप कुछ ऐसा ग्राफ चूज़ कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। तो गाइस, अभी हम इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है मोशन ब्लर। तो उससे हमारा गाइस थोड़ा और परफेक्ट लगेगा ये ट्रांजिशन। तो गाइस, अपने फर्स्ट क्लिप को टैप करके आपको जाना है अपने ऐड इफेक्ट्स में, और इसमें आपको सर्च करना है मोशन ब्लर। फिर गाइस, इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको एक की फ्रेम देना है जो ट्यून ना उस पर रख के। तो फिर गाइस, आपको पहला की फ्रेम पे वैल्यू उसकी 0 कर देनी है, जिससे पीछे वाले वीडियो पे कोई असर ना पड़े। फिर गाइस, आपको क्या करना है, एक और की फ्रेम ऐड करना है, और उसकी वैल्यू देनी है 0.20। फिर उसको लास्ट में ड्रैग करके इसका ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये हो गया मेरा। अब देख सकते हो कुछ ऐसा थोड़ा ब्लरनेस दिख रहा होगा, जो दिखने में थोड़ा कूल लग रहा है। तो फिर गाइस, आपको इसी तरह सेकेंड वाले क्लिप में करना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है, और फिर मोशन ब्लर ऐड करना है। फिर वही फर्स्ट की फ्रेम देना है, और फर्स्ट की फ्रेम पे इसकी पॉइंट रख देनी है 0। फिर कैसे, आपको जाना है इसके आगे, और एक और की फ्रेम ऐड करके रख देना है 0.20। और फिर इसको एकदम आगे ड्रैग करके इसके बीच का ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है। फिर कैसे, आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। देखिएगा, एकदम ओपी लग रहा है देखने में हमारा। सो गाइस, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वही ऐड करते हैं अपना मोशन ब्लर। तो फिर गाइस, यहाँ पर आने के बाद हम अपना मोशन ब्लर ऐड करेंगे, ऐड इफेक्ट में जाने के बाद। तो मोशन ब्लर गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऐड है। तो फिर गाइस, यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करना है, और फिर एक नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करना है। फिर यहाँ पे इसकी पॉइंट रख देनी है 0.20। देख सकते हो गाइस, मेरा हो गया, हाँ गाइस मेरा हो गया 0.20। और फिर आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है। फिर गाइस, आपको जाना है इसके नेक्स्ट वाले क्लिप पे, फिर उस पर भी आपको कुछ ऐसा ही ग्राफ चूज़ कर लेना है। ग्राफ नहीं, पहले पॉइंट सेट करना है। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट रखना है यहाँ पे की फ्रेम। की फ्रेम रखने के बाद फिर आपको उसकी वैल्यू 0 कर देनी है। फिर आपको नेक्स्ट की फ्रेम पे आना है, और उसका पॉइंट रख देना है 0.20। फिर क्या, उसको आपको ड्रैग करके स्टार्टिंग में ले जाना है, और फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा चूज़ कर लेना है।
तो फिर कैसे आप देख सकते हो हमारा दिखने में एकदम कूल लग रहा है एकदम, तब स्पीड जूम क्या बोलते हैं इसको, जूम ब्लर जैसा। और गाइस इसके प्रीसेट की फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और गाइस मैं बता दूँ कि आप प्रीसेट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो जो सिर्फ आपको मोशन ब्लर है ना, सिर्फ आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गाइस वो इफेक्ट है, और जो हमारा ये मूवमेंट ट्रांसफॉर्म जो हमने ऐड किया था ना, वो एक की फ्रेम है, वो एक की फ्रेम पे इफेक्ट लगा है और उसके बीच में, तो गाइस आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो गाइस उसको आपको हमेशा बनाना ही पड़ेगा। और गाइस जो हमने उस पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जो की फ्रेम्स ऐड की थी और जिस जितनी वैल्यू सेट की थी ना, वो आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, वो उसमें होगा, लेकिन आप तो कॉपी पेस्ट बस नहीं कर सकते। तो गाइस वो होगा तो आप उसको देख के उसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने सेकंड की ड्यूरेशन देनी है दोनों की फ्रेम के बीच में, और कब कैसे कितना पॉइंट सेट करना है। सो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, आप उसको अपने राइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना, जिससे गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि कब कैसे कितने ड्यूरेशन देनी है, मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप उस प्रीसेट को देख के मतलब दोबारा अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।